हिटलर ने अपने पूरे जीवन काल में 60-70 लोगों को नहीं बल्कि 60 लाख लोगों को मौत के घाट उतरवाया था। परंतु हिटलर भी कभी किसी एक इंसान के व्यक्तित्व से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। वह उस इंसान की हिम्मत व पर्सनैलिटी की खूब सराहना करता था और वह इंसान कोई और नहीं बल्कि हमारे अपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस के ऊपर भारत को आज़ाद कराने का एक ऐसा जुनून सवार था कि वह मदद के लिए हिटलर के पास पहुँच पड़े। मतलब जिस हिटलर से पूरी दुनिया खौफ खाती थी वह हिटलर से मिलने गए और उसके सामने एक प्रस्ताव लेकर पहुंचे। आज इस वीडियो में हम सुभाष चंद्र बोस के कुछ अनसुलझे रहस्य और भारत को आज़ाद कराने में उनके द्वारा किए गए संघर्ष और उनके बलिदान के बारे में चर्चा करेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। उनके पिता जानकी नाथ बोस शहर के मशहूर वकील थे। सुभाष चंद्र बोस एक पढ़े लिखे बैकग्राउंड से आते थे और इसी वजह से उनके पिता उन्हें देश के सर्वोच्च पद पर बैठे देखना चाहते थे, जिन्हें आज की भाषा में लोग आईएएस ऑफिसर्स कहते हैं। अपनी शुरुआती स्कूली शिक्षा के बाद सुभाष चंद्र बोस ने रेवेंशा कॉलेजिएट स्कूल में दाखिला लिया। उसके बाद उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में दाखिला लिया। नेताजी का अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे पहला कदम तब था जब वे प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ते थे। उन्होंने ब्रिटिश प्रोफेसर ओटेन को भारत विरोधी बातें करने और भारतीय छात्रों से बुरा व्यवहार करने के लिए थप्पड़ मारा था। इसके लिए उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया था। वे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए। वर्ष 1919 में बोस भारतीय सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने के लिए लंदन चले गए। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने फर्स्ट अटेम्प्ट में ICS की परीक्षा पास कर ली, जिसे आज लोग UPSC के नाम से भी जानते हैं। नेताजी ने अपने पिता का मान रखने के लिए परीक्षा तो पास कर ली, लेकिन कहते हैं कि जिसके दिल और दिमाग में 24 घंटे देश को आज़ाद कराने के सपने पल रहे हों वह उन्हीं अंग्रेजों की गुलामी कैसे कर पाता। नेताजी ने ICS की परीक्षा पास करने के बाद भी नौकरी नहीं की और निकल पड़े देश को आज़ाद कराने के सफर पे। सुभाष चंद्र बोस विवेकानंद की शिक्षाओं से अत्यधिक प्रभावित थे और उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। वर्ष 1923 में बोस को अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष और साथ ही बंगाल राज्य का कांग्रेस का सचिव चुना गया। 1925 में क्रांतिकारी आंदोलनों से संबंधित होने के कारण उन्हें मांडले कारागार में भेज दिया गया, पर जिसने उड़ने की ठान ली हो उसे कोई पिंजरे में बंद करके नहीं रख सकता। और नेताजी का सपना तो बहुत बड़ा था, उन्हें तो ऊंचाई तक उड़ना था। 1938 और 1939 में सुभाष चंद्र बोस दो बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन महात्मा गांधी और कांग्रेस के दूसरे बड़े नेताओं से उनके मतभेद हो गए, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। 5 दिसंबर 1940 को अंग्रेजी शासन ने सुभाष को नज़रबंद कर दिया। नेताजी ने फॉरवर्ड ब्लॉक के एक नेता मियां अकबर शाह को टेलीग्राम भेजा। मियां अकबर शाह उस समय पेशावर में थे, जो कि आज पाकिस्तान में है। नेताजी के बुलावे पर मियां अकबर पेशावर से कलकत्ता पहुंचे और नेताजी के साथ मिलकर उन्होंने कलकत्ता से काबुल भागने का प्लान बनाया। इस योजना को अंजाम देने के लिए नेताजी ने अपने भतीजे शिशिर से बात की। इसके बाद वो अंग्रेजों की नज़रों से बचते हुए पेशावर पहुंचे। पेशावर पहुंचकर उन्होंने मुस्लिम इंश्योरेंस एजेंट का भेष धारण किया और अपना नाम जियाउद्दीन रख लिया। नेताजी पेशावर से काबुल और काबुल से मॉस्को और वहाँ से रोम और वहाँ से जर्मनी पहुँचे। कलकत्ता से काबुल भागने के नेताजी के इस प्लान को द ग्रेट एस्केप कहा जाता है। काबुल के शोर बाजार इलाके में आज भी वो घर मौजूद है जहाँ नेताजी कुछ दिनों के लिए रुके थे। 1986 में फॉरवर्ड ब्लॉक के एक सांसद ने राजीव गांधी की सरकार से मांग की थी कि भारत सरकार इस घर को खरीद ले और इसकी मरम्मत कराकर इसे एक म्यूजियम में बदल दे, लेकिन तब राजीव गांधी की सरकार की तरफ से कहा गया कि नेताजी वहां उस घर में सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही तो रुके थे और अगर ऐसे भारत सरकार हर घर को खरीदना शुरू कर देगी तो पूरी दुनिया में न जाने कितने ही घर खरीदने पड़ेंगे, और फिर इसे नहीं खरीदा गया। वर्ष 1910 से 1912 के दौरान भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू लंदन के जिस घर में रुके थे उसे आज एक हेरिटेज का दर्जा प्राप्त है और नेताजी जिस घर में रुके थे आज वो एक खंडहर बन चुका है। भारत के इतिहास में इन दोनों नेताओं की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है जैसी इन दोनों घरों की है। एक घर को हेरिटेज साइट घोषित किया गया और दूसरा घर जर्जर है, और यही नाइंसाफी हमने इतिहास में भी नेताजी के साथ की है। हिटलर को भारतीयों और अफ्रीकियों से नफरत थी। हिटलर ने उस दौरान एक किताब में भारतीयों की तुलना यहूदियों और अफ्रीकियों से की थी। उस दौर में सारा देश हिटलर के आतंक से डरता था। इसके बाद भी नेताजी हिटलर से मिलने पहुंचे। नेताजी जब हिटलर से मिलने पहुंचे तो उन्हें एक कमरे में बिठाया गया। थोड़ी देर बाद हिटलर उनके सामने आया और हाथ बढ़ाते हुए कहा, मैं हिटलर हूँ। बोस ने भी हाथ बढ़ाया और कहा, मैं सुभाष हूँ, मगर आप हिटलर नहीं हैं। इसके बाद वह व्यक्ति चला गया। फिर दूसरा व्यक्ति आया
यह व्यक्ति बहुत ही कठोर स्वभाव का था। उसने भी नेताजी के सामने हाथ बढ़ाया और कहा, मैं हिटलर। नेताजी ने फिर हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं सुभाष, भारत से, मगर आप हिटलर नहीं हो सकते। मैं यहाँ केवल हिटलर से मिलने आया हूँ। तीसरी बार फिर एक व्यक्ति आया और नेताजी के सामने आकर खड़ा हो गया। कुछ देर तक चुप रहने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कहा, मैं सुभाष हूँ, भारत से आया हूँ, लेकिन आप हाथ मिलाने से पहले कृपया दस्ताने उतार दें, क्योंकि मैं मित्रता के बीच में किसी भी तरह की दीवार नहीं चाहता। हिटलर पूरी तरह से भौचक्का हो गया। वह हैरान हो गया और सोचने लगा कि नेताजी ने इतनी आसानी से कैसे असली और नकली के बीच का फर्क जान लिया और उनके हमशक्लों को पहचान लिया। दरअसल हिटलर सुरक्षा के दृष्टिकोण से अपने हमशक्ल रखता था, जिन्हें वो पहले सबके सामने भेजता था, मगर नेताजी के सामने हिटलर की चालाकी नहीं चली। जब हिटलर ने बोस से पूछा कि उन्होंने हिटलर को कैसे पहचाना, इस पर बोस ने कहा कि पहले दो व्यक्तियों ने पहले ही हाथ बढ़ा दिया, जबकि जो व्यक्ति मिलने आता है वो यह करता है। इसके बाद बोस ने हिटलर से ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने के लिए भारतीयों के साथ गठबंधन बनाने पर चर्चा की और नॉर्थ अफ्रीका में वर्ल्ड वॉर टू के दौरान गिरफ्तार किए गए भारतीय कैदियों की रिहाई की भी मांग की। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत ने तो वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया ही नहीं, क्योंकि तब तो भारत गुलाम था, तो वर्ल्ड वॉर में भारतीय कैसे कैद हो गए। तो इसका जवाब यह है कि वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों की तरफ से लड़ने के लिए महात्मा गांधी ने भारतीयों को भेजा था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, गांधी जी के इस फैसले के खिलाफ सुभाष चंद्र बोस थे, लेकिन फिर भी गांधी जी ने अपनी मर्जी चलाते हुए भारतीयों को भेज दिया था। इसके बाद वहाँ कैदियों को रिहा किया गया। इसके बाद बोस ने ब्रिटिश शासन से लड़ने और भारत को आजाद कराने के लिए जर्मनी में 1000 से अधिक लोगों की एक सेना तैयार की थी। इसे इंडियन लीजन और आजाद हिंद फौज और टाइगर लीजन का नाम दिया गया था। इस सेना को बाद में इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल कर लिया गया था। 1942 में सुभाष को नेताजी का नाम पहली बार जर्मनी में मिला। सुभाष को जर्मन सैनिक और वहां मौजूद भारतीय सैनिक नेताजी कहकर बुलाने लगे। यहां से सुभाष चंद्र बोस का पूरे पूर्वी एशिया के नेता का रोल शुरू हो गया। 6 जुलाई 1944 को सिंगापुर में आजाद हिंद रेडियो से सुभाष ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा और आजादी की लड़ाई के लिए आशीर्वाद मांगा। यह पहली बार था जब किसी ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी। नेताजी 4 जुलाई 1944 को आजाद हिंद फौज के साथ बर्मा पहुंचे। यहीं पर उन्होंने अपना वो नारा दिया जिससे हर देशभक्त अपना खून बहाने के लिए तैयार हो गया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लेकिन सुभाष चंद्र बोस का सपना सच होता इससे पहले ही वक्त को कुछ और मंजूर था। जापानी सेना के साथ आजाद हिंद फौज कोहिमा पहुंच गई, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के समर्पण के साथ ही जापानी सेना पीछे हट गई। जापान के सरेंडर के 3 दिन बाद 18 अगस्त 1945 को बोस सोवियत संघ जाने के लिए निकले, लेकिन ताइवान में उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में नेताजी की मौत हुई या नहीं, इस पर कई शंकाएं जताई जाती रहीं। सुभाष चंद्र बोस जी के अंतिम समय के ऊपर 3 घटनाएं सुनने को मिलती हैं। पहली, 1945 में एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। दूसरी, वह जर्मनी से निकल के रूस गए और वहां पर रूसियों के द्वारा उन्हें मार दिया गया। तीसरी, कि वह एक संत के रूप में भारत वापस आए और यहीं पर अपने अंतिम समय तक रहे। बहुत से लोगों का आज भी यह मानना है कि सुभाष चंद्र बोस विमान दुर्घटना में नहीं मरे थे, क्योंकि ना ही उनकी बॉडी रिसीव की गई और ना ही फोरेंसिक टीम की तरफ से कोई रिपोर्ट आई, और बहुत से लोगों की डायरी और किताबों में उनके जीवित रहने के बहुत सारे संकेत मिले हैं। जैसे आर्किबाल्ड वेवेल ने अपनी डायरी में लिखा था, यह वही है जो उन्हें दिया जाना चाहिए अगर वह भूमिगत होना चाहते हैं। इसी प्रकार से बहुत से लोगों ने उनके जीवित होने के संकेत दिए। 13 मई 1962 को जब सुरेश चंद्र बोस ने जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखकर उन प्रमाणों को मांगा जो यह दर्शाते हैं कि नेताजी मर चुके हैं, तो नेहरू ने यह कहा कि हमारे पास ऐसा कोई प्रमाण ही नहीं है, जिससे लोगों की शंकाएं और भी बढ़ती गईं। अब क्या सच है क्या झूठ, यह तो राम ही जाने, हमें भी नहीं पता। फ्रांस जैसे कुछ देशों की सिक्योरिटी एजेंसी और सिक्योरिटी एजेंट भी यही कहते हैं कि नेताजी जिंदा थे और वह प्लेन क्रैश को सर्वाइव कर गए थे। उनके बारे में जानकारी क्यों नहीं पब्लिक की गई यह कोई नहीं जानता, पर एक बात तो एकदम सच है, वह यह है कि कांग्रेस को डर लगता था सुभाष चंद्र बोस से, और कांग्रेस डरती थी कि सुभाष चंद्र बोस कहीं वापस ना आ जाएं। हो सकता है इसी कारण से सुभाष चंद्र बोस गुमनामी बाबा बनके ही जीना चाहते हों। गुमनामी बाबा अयोध्या में एक संत थे, लेकिन यदि उनके मरणोपरांत उनसे प्राप्त की गई वस्तुओं को देखा जाए तो कोई आम इंसान या कोई एक संत उन वस्तुओं को कभी अपने पास नहीं रखेगा। जैसे वॉर एंड स्ट्रेटजिक बुक, वो भी विदेशी भाषाओं में, जर्मनी में बनी दूरबीन, रोलेक्स की घड़ी, सिगार पाइप, ब्रिटिश टाइपराइटर, जापानीज क्रॉकरी सेट इत्यादि। पर इन सब में जो सबसे खास चीज थी वो थी माँ काली की मूर्ति, एमएस गुलवाकर की चिट्ठी, न्यूज़पेपर का कटआउट जिसमें लिखा था बोस अभी भी जीवित हैं,
और डॉक्टर पवित्रा मोहन रॉय, जो बोस की बनाई हुई इंडियन नेशनल आर्मी के इंटेलिजेंस विंग के सीनियर ऑफिसर थे, उनके द्वारा लिखी हुई कुछ चिट्ठियाँ मिली और गुमनामी बाबा ने उनके पास मिली, जिससे यह शक और गहरा हो जाता है कि गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस थे। अंत में 16 सितंबर 1985 को गुमनामी बाबा का सरयू नदी के किनारे अयोध्या के गुप्तर घाट पे अंतिम संस्कार किया जाता है। इसी प्रकार से गुमनामी बाबा का यह सफर, यह सिलसिला भी यहीं खत्म हो जाता है। अंत में हम यही कहना चाहेंगे, वो देश के असली हीरो हैं, वो देश के संघर्ष की जान और शान है, वो सुभाष हैं जिन पर पूरे हिंदुस्तान को नाज है। धन्यवाद। जय श्री राम।